हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है गूगल एडसेंस पेमेंट नॉट रिसीव्ड। दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब क्रिएटर हो और आप वेट कर रहे हो अपने यूट्यूब की पेमेंट का और आपके पास आपकी पेमेंट अगर नहीं आई है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है और इसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप भी एक यूट्यूब क्रिएटर हो और आप वेट कर रहे हो अपनी पेमेंट का और आपके पास अगर पेमेंट नहीं आती है तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो का टॉपिक है हर कोई कवर नहीं करता। क्योंकि जिसको अपनी फर्स्ट पेमेंट मिल जाती है तो वो इसके ऊपर वीडियो ही नहीं बनाता। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मुझे भी मेरी फर्स्ट पेमेंट मिल चुकी है, पर ये जो टॉपिक है ये कवर करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर किसी भी रीज़न के कारण आपके पास आपकी फर्स्ट पेमेंट नहीं आती है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है और उसके अगेंस्ट आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो, वो सब कुछ आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सबसे बड़ा रीज़न बता देता हूँ कि जिसके कारण आपकी जो पेमेंट है वो आपके पास नहीं रिसीव होती है, वो होता है स्विफ्ट कोड गलत डालना। अगर आपने अपने पेमेंट मेथड पे स्विफ्ट कोड गलत एंटर किया है तभी आपकी जो पेमेंट है वो अटकती है और आपके पास नहीं आती है। और इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कौन से केसेस में स्विफ्ट कोड गलत होता है। दोस्तों, अगर आपकी जो ब्रांच है बैंक की वो बहुत ही छोटी है तो आप ट्राई करते हो बड़ी ब्रांच का स्विफ्ट कोड लेने का, उसी के कारण आपका जो पेमेंट है वो फंस सकता है। क्योंकि अगर आपने स्विफ्ट कोड सही नहीं डाला है तभी ये केसेस में आपका जो पेमेंट है वो आपके पास नहीं रिसीव होता है। तो सबसे पहली दिक्कत ये होती है। तो आप कभी भी अपना पेमेंट लेना चाहते हो तो आपको अपना स्विफ्ट कोड एकदम सही एंटर करना पड़ेगा आपने पेमेंट वाले मेथड पे। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, आपका स्विफ्ट कोड गलत होता है, तो आप अपनी ब्रांच से भी डायरेक्ट पूछ नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पे उनकी भी कोई गलती नहीं रहती। क्योंकि अगर वो ब्रांच छोटी है तो वहाँ पे स्विफ्ट कोड नहीं यूज़ होता होगा, आपने किसी बड़े ब्रांच का स्विफ्ट कोड दिया होगा, तो आपने जहाँ का भी स्विफ्ट कोड दिया है वो ब्रांच में जाके आपको डिस्कस करना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा, तब जाके आपकी कोई हेल्प हो सकती है। क्योंकि अगर आप अपनी ब्रांच में जाके पूछोगे तो वहाँ से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल पाएगी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आप किसकी किसकी हेल्प ले सकते हो। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने आपको बताया था अपने चैनल पे कि YouTube की जो पेमेंट रिलीज़ होने वाली डेट होती है वो होती है हर महीने की 21st को आपकी पेमेंट रिलीज़ होती है। और 21st में जब आपकी पेमेंट रिलीज़ होती है उसके बाद 5 वर्किंग डेज का टाइम आपको गूगल एडसेंस देता है। 5 वर्किंग डेज के अंदर अगर आपकी पेमेंट नहीं आती है तब आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने बैंक की ब्रांच पे, और अगर आपकी छोटी ब्रांच है तो आपको उस ब्रांच से कांटेक्ट करना है जहां का स्विफ्ट कोड आपने अपने गूगल एडसेंस को प्रोवाइड किया है। तो जब 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपकी पेमेंट नहीं आती है तो आप सिंपली अपने बैंक से डिस्कशन कर सकते हो। और दोस्तों, अगर बैंक भी आपकी हेल्प नहीं करती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिंपली वेट करना है 15 डेज़ का, मतलब 21st से लेके 15 डेज़ जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप गूगल एडसेंस की हेल्प ले सकते हो। गूगल एडसेंस का ये रूल है कि गूगल एडसेंस की जो सपोर्ट टीम है वो तब आपकी हेल्प कर सकती है जब आपकी पेमेंट रिलीज़ हुए 15 डेज़ कंप्लीट हो जाएं। अगर 15 डेज़ कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक गूगल एडसेंस की सपोर्ट टीम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती है। 5 डेज़ कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपके पास पेमेंट नहीं आती है तो आप पहले बैंक से डिस्कस करो, अगर बैंक भी आपकी हेल्प नहीं कर पाती है तो आप 21 से 15 डेज़ काउंट करो, उसके बाद आप एडसेंस की सपोर्ट टीम से हेल्प लो। अगर आपके 15 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद भी आपकी जो पेमेंट है वो आपके पास नहीं आती है तब आपको तुरंत ही गूगल एडसेंस की सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गूगल एडसेंस आपकी पूरी हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसके पास सारे आपके ट्रांजैक्शन की आईडी रहती है। तो वो डायरेक्ट पता कर सकता है कि आपकी जो पेमेंट है वो कहाँ पे होल्ड हुई है, तो उसके थ्रू वो आपकी डायरेक्ट हेल्प कर सकता है और आपकी जो पेमेंट है वो आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों, यही कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप ले सकते हो। और अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपकी पेमेंट आपको रिसीव नहीं होती तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही दोनों स्टेप्स लेने हैं। पहला, आप अपने
ब्रांच में डिस्कस करो। अगर तब भी कुछ आपकी हेल्प नहीं होती तो आप गूगल एडसेंस की सपोर्ट टीम में जाके हेल्प ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी और इतना वेट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो पेमेंट है वो एक दो दिन ही लेट होती है, उससे ज़्यादा लेट नहीं होती। और जो नए यूट्यूब क्रिएटर ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने गूगल एडसेंस के पेमेंट मेथड पे स्विफ्ट कोड हमेशा सही डालना। अगर आप स्विफ्ट कोड सही डालोगे तो ये सब प्रॉब्लम आपके साथ आएगी नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे यूज़फुल वीडियोज़ अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।